जैसे कि सभी जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच वंचित बहुजन युवा अघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र सरकार की ओर औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का नाम देने की मांग महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। उसी के चलते हमारे संवाददाता अशोक लाड ने डॉक्टर तानाजी भोजने जी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा, औरंगाबाद जिला एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ लाखों सैलानी साल में गिरनेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं, किंतु जिस हेम दंपत्ति मंदिर का जीर्णोद्धार पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर द्वारा किया गया है और जिनके काम की सराहना हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी लिखित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी की गई है, तथा हिंदुस्तान सरकार की ओर से 1996 में पोस्ट टिकट भी जारी कर इंदौर एयरपोर्ट को तथा इंदौर विश्वविद्यालय को भी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर का नाम दिया गया है। उसी के चलते महाराष्ट्र सरकार में भी उनके कार्य का सम्मान करते हुए 31 मई के पहले औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन को पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर का नाम देना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सारे धनगर समाज के भाइयों तथा वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई। इस दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के सुल्तान सौदागर, वेदांत वैद्य, सूर्य पचलोरे, किरण सूर्य, रंभरे ढोबले, युवराज ठोके तथा विशाल इगले ये कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लगे सियासी अच्छे काफी जोरों शोरों से दिखाई दी गई। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कुछ मांगे सरकार की ओर की गई। इसी बीच हमसे पूछ के वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के शहर अध्यक्ष तानाजी भोजने जी, जी सर आप जो बताइए, हमने जो रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद का उसको अहिल्या देवी होलकर का नाम देने की मांगनी की है और सरकार को हमने 31 मई का अल्टीमेटम दिया है। जो कि सभी जानते हैं कि अहिल्या देवी होलकर ने ये महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, सभी तरफ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। उसी में से एक मंदिर जो है अपना बेलूर का मंदिर है घृष्णेश्वर का, उस मंदिर के लिए पूरे देश से जो भक्तजन आते हैं वो लाखों की तादाद में आते हैं, वो रेलवे से आते हैं। तो हमारा ये मांग है सरकार से कि अहिल्या देवी का जो कार्य है उसका सम्मान करते हुए जो औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन है उसको अहिल्या देवी होलकर का नाम दिया जाए। और जैसा कि हमने उनको निवेदन दिया है 31 मई का, तो 31 मई के बाद अभी तो हम मराठवाड़ा में रैली निकालने वाले हैं, झुंडी बैठक लेने वाले हैं, पूरे धनगर समाज में जागृति करने की हमारी इसलिए पूरे मराठवाड़ा में हम झुंडी बैठक लेने वाले हैं। और हम धनगर समाज से आह्वान करते हैं कि जो जो युवा हमसे इस नामांतर की मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं सब हमसे संपर्क करें और वंचित बहुजन युवा आघाड़ी पूरे शोरों शोरों से पूरी ताकत से ये सरकार पर पड़ने वाली है और हमारा जो नाम है रेलवे स्टेशन का वो लिए बिना हम रहने नहीं। घृष्णेश्वर का जो भावी के उधर का जो मंदिर है आप देखेंगे, ये भी जो मंदिर है दादा खंडवा का, इसी तरह का हेमंडपति मंदिर जो है तो उसका जो जीर्णोद्धार किया है उसके उनके कार्य का सम्मान करने के लिए हमने मांग नहीं करते कि रेलवे स्टेशन का नाम। तो जैसा कि वंचित बहुजन युवा आघाड़ी शहर अध्यक्ष तानाजी भोजने जी ने कहा कि होकर जिनका कार्य बात के लिए काफी जो तारीफ है उनका एक सम्मान करते हुए गवर्नमेंट की ओर से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या देवी होलकर रखा जाए। मैं जर्नलिस्ट अशोक लाल, कैमरामैन प्रवीण के साथ औरंगाबाद, महाराष्ट्र।